नितेश तिवारी को अपनी रामायण के लिए रावण मिल गया है। कीमत है 150 करोड़। जी हाँ, 150 करोड़। राम से महंगा, सीता मैया से भी महंगा, और तो और लक्ष्मण से भी महंगा। आखिर कौन है नीतीश का रावण, ये देखिए। पहचाना इनको, केजीएफ की सीरीज सिर्फ इनके नाम पर बिकी है। ये है यश, साउथ के सुपरस्टार यश। अब ये केजीएफ के नाम से नहीं बल्कि रावण के नाम से जाने जाएंगे। जी हाँ, रावण, रामायण के रावण, नीतीश तिवारी के रावण। ये ही है मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण के रावण। ये रावण उन सभी बॉलीवुड के सितारों पर भारी पड़ने वाले है जो इस राक्षस राज के किरदार को पर्दे पर अदा कर चुके हैं। और यही है बॉलीवुड का सबसे महंगा रावण, जिसने इस किरदार को पर्दे पर उतारने के लिए 150 करोड़ लिए हैं, जो इस फिल्म में सभी कलाकारों की फीस से कई ज्यादा है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि रावण बनने के लिए उनकी मिनिमम फीस होगी 100 करोड़। इसके ऊपर वो कितना चार्ज करते हैं वो इस बात पर निर्भर करेगा कि फिल्म की शूटिंग कितने दिनों तक चलती है। आपको बता दें कि आदि पुरुष में सैफ अली खान के रावण के किरदार के बाद नितेश तिवारी थोड़े डरे हुए थे। उनको कोई भी किरदार ऐसा नहीं चाहिए था जिससे उनकी आदि पुरुष की तरह आलोचना हो। इसलिए नितेश तिवारी ने ठोक बजाकर, जांच परख कर ऐसे एक्टर को उठाया जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जी हाँ, इसलिए नितेश ने इस रोल के लिए यश को चुना। अब तक कई लोगों ने रावण बनकर लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश तो की है, लेकिन दर्शकों को अभी तक कोई ऐसा लगा नहीं जो वाकई इस किरदार को बखूबी पर्दे पर निभा पाए। नितेश की माने तो यश इनमें से सबसे अलग साबित होंगे। केजीएफ चैप्टर 1 और 2 से दुनिया भर में छाए एक्टर यश अब एक बार फिर से अपने फैंस को केजीएफ 3 की सौगात देने वाले हैं। लेकिन इसी बीच वो रामायण की शूटिंग भी करेंगे। आपको बता दें कि रामायण के लिए अब तक मोटे मोटे किरदारों के लिए कलाकार तो मिल गए हैं, बस रावण का रोल खाली था और अब वो भी मिल गया। यानी कि नितेश की रामायण बड़े बड़े कलाकारों से भरी हुई होगी, जिसमें से रणबीर कपूर बनेंगे राम। माता सीता के लिए साई पल्लवी को साइन किया गया है। दशरथ के किरदार में दिखेंगे अरुण गोविल। शूर्पणखा का रोल के लिए रकुलप्रीत को लिया गया है। विजय सेतुपति फिल्म में रावण के भाई विभीषण का किरदार निभाएंगे। बॉबी देओल को इस फिल्म में कुंभकर्ण का रोल मिला है। लारा दत्ता बनेंगी कैकेयी। नवीन पॉली शेट्टी को मिला लक्ष्मण का किरदार। सनी देओल बनेंगे हनुमान। और रावण के लिए हाल ही में यश को साइन किया गया है। तो लीजिए, नितेश तिवारी की पूरी रामायण पेपर पर तैयार है, पर अब इन किरदारों को डायलॉग देने और फिल्म शूटिंग जल्द से जल्द शुरू करनी है। सोचिए तो जरा, अब ये मल्टी स्टारर फिल्म पर्दे पर आएगी तो क्या होगा? राम से लेकर रावण की एंट्री का क्या ग्रैंड नजारा होगा? और अब तो रावण इतना दमदार मिल गया है कि राम से ज्यादा लोगों को रावण के किरदार का इंतजार होगा। क्यों, क्या कहते हैं आप? क्या केजीएफ का ये हीरो यहाँ रावण बनकर सब पर भारी पड़ेगा? जानने के लिए आपको रामायण मूवी देखनी पड़ेगी। चलिए, इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस तरह की लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।